तो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। स्वागत है आपका टेक्निकल वर्क यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपके एक्सटेंशन बोर्ड में वायर छोटी है और आप बढ़ाना चाहते हैं इस वायर को और इसमें जोड़ना चाहते हैं वायर को, तो कैसे जोड़ेंगे इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आपको एक्सटेंशन बोर्ड दिखाई दे रहा है, इसमें से मैंने इस 3 पिन प्लग को काट दिया है और इसमें आपको 3 वायर दिखाई दे, रेड, ग्रीन और ब्लैक वायर। और वैसे इस 3 पिन प्लग में देखते हैं, यहाँ पर भी वही सेम तार है, रेड, ग्रीन और ब्लैक। इसे हम लास्ट में जोड़ेंगे। सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पर जो एक्सटेंशन बोर्ड में 3 वायर है उसका कनेक्शन हमें 2 कोर वायर के साथ करना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 2 कोर वायर ले लिया है। अगर आपके पास 3 कोर वायर है वो भी आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर 2 कोर वायर के लिए। यहाँ पर आपको 3 तार दिखाई दे रहे हैं, रेड और ब्लैक वाली जो वायर होती है वो फेस और न्यूट्रल सप्लाई के लिए यूज़ करते हैं, और यहाँ पर जो ग्रीन वाली वायर है वो अर्थिंग सप्लाई के लिए होती है। तो यहाँ पर हमारा जो अर्थिंग है यहाँ पर हमें कनेक्ट नहीं करना होता है। तो जब भी हम सिंगल फेस सप्लाई की बात करते हैं, वहाँ पर क्या है, फेस और न्यूट्रल सप्लाई की ज़रूरत होती है। हर इक्विपमेंट या मशीन के लिए सिंगल फेस में फेस और न्यूट्रल की ज़रूरत होती है। अर्थिंग यहाँ पर सेफ्टी के लिए होता है। तो यहाँ पर 2 कोर वायर में यहाँ पर हमें अर्थिंग की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस रेड वाले वायर को रेड वाले वायर से कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इस रेड वाले वायर को 1 वायर से कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर अच्छी तरह से टेप लगा देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने रेड वाली वायर पर टेप लगा दिया, ब्लैक वाली वायर बची है, इन दोनों को भी ज्वाइंट कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ज्वाइंट कर दिया, इस पर टेप लगा देते हैं। किसी किसी मशीन में या एक्सटेंशन बोर्ड में क्या होता है, वायर का कलर अलग अलग होता है, लेकिन जो अर्थिंग वाली वायर है वो ग्रीन वायर ही होती है। तो हमें ग्रीन वाले वायर पर टेप लगा देना है। बाकी इसके अलावा जो 2 वायर बचती हैं उसको उसका कनेक्शन 2 कोर वायर के साथ कर देना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 2 कोर वायर का कनेक्शन एक्सटेंशन बोर्ड के 3 कोर वायर के साथ कर दिया है। और बाकी यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर दूसरा सिरा है, उसमें हम इस 3 पिन प्लग को कनेक्ट कर देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, ग्रीन वाला हमारा यहाँ पर अर्थिंग के लिए, तो यहाँ पर हम इस ग्रीन वाले वायर पर टेप लगा देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इस ग्रीन वाले वायर पर टेप लगा दिया है। अब इसके अलावा जो 2 वायर बची हुई हैं, ब्लैक और रेड वाली वायर, इन दोनों वायरों को इन दोनों वायर से कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने रेड वाली वायर को रेड वाली वायर से कनेक्ट कर दिया है। तो जैसे कि मैंने भी बताया था, यहाँ पर अगर आपके 3 कोर वायर में कलर कोड अलग अलग है तो हमें बस इतना देखना है, जो ग्रीन वाली वायर है उसको छोड़ के बाकी के जो भी 2 वायर है उसको आप 2 कोर के वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। बस इतना सा ही करना है। तो यहाँ पर देखिए, इस ब्लैक वाले वायर को मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया, इस पर टेप लगा देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा 2 कोर वायर का कनेक्शन इस 3 पिन प्लग के साथ कनेक्ट कर दिया, हमने ज्वाइंट कर दिया है। तो यहाँ पर भी अच्छे तरह से टेप लगाए थे जिससे ये देखने में अच्छा लगे। तो यहाँ पर मैंने एक्सटेंशन बोर्ड के 3 वायर का कनेक्शन 2 कोर वायर के साथ कर दिया है और यहाँ पर 3 पिन प्लग का कनेक्शन 2 कोर वायर के साथ कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा जो कनेक्शन है कम्प्लीट हो चुका है। तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं। इसे चेक करने के लिए मैं एक और एक्सटेंशन बोर्ड ले लेता हूँ जिससे मैं इसके प्लग को लगा सकूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक्सटेंशन बोर्ड ले लिया, अब इसके प्लग को इसमें कनेक्ट कर देते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने प्लग को लगा दिया है। जैसे लगा, यहाँ पर इसकी इंडिकेटर लाइट जलने लगी, इसका मतलब इसे सप्लाई आ गई है। एक होल्डर और बल्ब ले लेते हैं जिससे हम इसे चेक कर सकें कि हमारा एक्सटेंशन बोर्ड वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। देखिए, यहाँ पर पहले सॉकेट में लगाया, तो देखिए यहाँ बल्ब जल रहा है। दूसरे पे लगाते हैं, देखिए बल्ब जल रहा है। तीसरे पे लगाते हैं, यहाँ पर भी बल्ब जल रहा है। इसका मतलब जो हमारा एक्सटेंशन बोर्ड है वर्क कर रहा है। तो दोस्तों, इसी टाइप से आप भी अपने एक्सटेंशन बोर्ड में 3 कोर वायर का कनेक्शन 2 कोर वायर के साथ कर सकते हैं, या फिर किसी मशीन की 3 वायरों का कनेक्शन 2 कोर वायर के साथ कर सकते हैं। अगर आपको कनेक्शन करने में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।